ये हुआ रिसेंटली से नागपुर में हुआ और बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और मीडिया को आपने बुलाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीपक जी आप शुरुआत कीजिए इसको। ये हम लोग नागपुर में हमने एक इवेंट किया था, है हमारी मुंबई की कंपनी इसलिए मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और बाकी फेम मीडिया जो है हमारे पीआर पार्टनर हैं इसीलिए, और हमारे विनर भी जो है वो मुंबई से निकल के आए हैं नागपुर में शो करने के बाद। नागपुर में हमने पहला एक ऐसा शो किया है जो कि एडवेंचरस था और एडवेंचर फैशन शो किया है इसको, जो कि सीजन 3 हमने किया है। इसमें थोड़े हमने टास्क दिए थे लोगों को, तीन ग्रुप बनाए थे, तीन टीम बनाई थी, तीन टीम बनाने के बाद इनको टास्क दिए गए थे, टास्क कंप्लीट करने के बाद इनको फैशन शो की ट्रेनिंग हमने दिलवाई थी हमारे इंटरनेशनल फैशन कोरियोग्राफर जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मयूरदा, उनके थ्रू इनको ट्रेनिंग मिली है। ट्रेनिंग करने के बाद फिनाले में हमने इनको स्टेज पे उतारा, स्टेज पे उतारने के बाद ये विनर बन के आज हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। तो मिस्टर दीपक हैं ये हमारे विनर हैं और ये मिस्टर अमित हैं जो हमारे रनर हैं। ओके दीपक आपसे अभी जानना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस, और धड़कने तो अब उस समय तेज हुई होंगी, अब तो शांत हो गई थी, विनर हो चुके हैं, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और इनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजर हमारे साथ में बैठे हैं दीपक सर, दीपक चतुर्वेदी सर और प्रदीप सर। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें इतने बड़े इवेंट और एक अलग बहुत नए इवेंट में शो करने का जो मौका दिया इन्होंने, तो बहुत ही मतलब कहा जाए कि एहसास बहुत खास है, बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। ये पूरा एडवेंचर एक बहुत ही अलग नया शो था जिसमें हमें बहुत सारे टास्क दिए गए थे, हमारे तीन टीमें बनाई गई थी जिसमें एवेंजर्स और टर्मिनेटर और ब्लैक पैंथर, जिसमें एवेंजर्स विनर रही थी। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और इन्होंने हमें बहुत ही सपोर्ट और प्यार दिया है और हमने बहुत सारी मेहनत की है इसमें जिसका नतीजा आपके सामने है, और हमसे भी कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा मेहनत जो की है हमारे इंटरनेशनल कोरियोग्राफर फैशन गुरु मयूरदा, तो उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला है हमको इनसे, और बस ये कहना चाहूँगा। अमित आपके बारे में भी जानना चाहेंगे और कहीं ना कहीं जेलसी हो रही है नमस्कार जलेसी ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ था, ऑल कंटेस्टेंट्स वर वेरी गुड, पर कैसा गेम्स में कुछ मतलब पॉइंट्स में गेम्स में कुछ पॉइंट्स में या वॉक में कुछ 19-20 हुआ रहेगा, इसलिए से आप फर्स्ट आ गए और मैं फर्स्ट रनर अप आ गया, ऐसा कुछ नहीं, पर बहुत अच्छा शो था, खाना अच्छा था, जगह अच्छा था, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने अब शो कम्प्लीट किया था। ओके प्रदीप जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल और कंटेस्टेंट आज के आपके बीच में है, इनके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या कुछ कहना? ओवरऑल दीपक जी के तो शो बहुत अच्छे रहते हैं, इंडिया इंटरनेशनल अगर बार बार शो कराते रहते हैं, नागपुर में उनका फर्स्ट शो था और नागपुर एक्चुअल मेरा नेटिव प्लेस भी, हिसाब से दीपक जी ने जो नागपुर में नया एक्सपीरियंस किया करके एडवेंचर शो, मेरे हिसाब से इंडिया फर्स्ट टाइम ऐसा शो हुआ है जो एडवेंचर था करके, उसमें मैंने इसके पहले तो कभी देखा नहीं, और शो अगर दीपक जी की जो टीम है ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे ने ऑर्गेनाइज किए थे उसमें। दीपक जी फिर एक बार आपके पास चलते हैं और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या था वो थीम जो थोड़ा शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? थीम ऐसा था एडवेंचर्स, मतलब एडवेंचर इस तरीके से था, थोड़ा इनको भगाना दौड़ाना प्लस पहाड़ पे चढ़ाना, माउंट क्लाइंबिंग कराना, ठीक है, ऊपर से लटकाना, ये सारे तरीके के एडवेंचर्स थे जो इन्होंने पूरे किए। इनको टास्क भी दिया गया था, मतलब आपने मॉडल नहीं चुना, फौजी चुन लिया। इस मॉडल के साथ में फौजी भी होने चाहिए, दोनों क्वालिटी इनमें थी, करके फौजी वाले भी थे, मॉडल वाले भी क्वालिटी थी, दोनों क्वालिटी चाहिए। तो इस तरीके से हमने चुना इन लोगों को, और चुनने के बाद पहले तो उनके ग्रुप हमने चुना, ग्रुप चुनने के बाद फिर इनको हमने फैशन शो में उतारा ताकि लोग फिट रहें, जब फैशन शो में रहें तो एक फिट में दिखाई दे। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा जब ये सब चल रहा, उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमसे, क्योंकि बहुत चैलेंजेस आए होंगे, जैसे अभी दीपक सर ने बताया कि बहुत कुछ दिया गया था आप लोगों को कुछ, और वो सब क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी जरूर। हाँ, काफ़ी टफ कंपटीशन था, जितने भी मेंबर्स थे पार्टिसिपेट थे, बहुत ने हार्डवर्क किया है, सब ने हार्डवर्क किया है, और बहुत नर्वसनेस थी उस वक्त कि
इतना टफ कंपटीशन है, कौन विनर हो सकता है। हालांकि मेरा विनर बनने का ही मेन मोटा नहीं था, क्योंकि हार जीत तो चलती रहती है। मेन मेरा यह था कि मैं अपना 100% दूँ, अपनी पूरी कोशिश करूँ, और बस यही है कि टफ कंपटीशन था, लेकिन कहीं ना कहीं विनर बनने की जीत भी थी, तो उसी के लिए विनर बना हूँ मैं। और अगर जो भी हमें सुन रहे हैं, अगर मैं उनसे थोड़ा बहुत ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको विनर बनना है, कुछ भी हासिल करना है, तो मेहनत लगती है, बस मेहनत ही, क्योंकि मेहनत ही सक्सेस लाती है, क्योंकि सक्सेस का कोई मुझे लगता शॉर्टकट नहीं है। तो बस वही हमने मेहनत की और आपके सामने विनर बन के आए हैं। ओके, अभी तो आपसे भी जानेंगे तो चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। सुबह 4 बजे मैं सुना कि उठा देते थे और क्या कुछ रहा है? तो हम लोग का चालू हो गया 7 तारीख से चालू हुआ शो, और सुबह से हम लोग सुबह 6 बजे से उठाते थे सर, समर से आते थे 4 बजे, हम लोग 6 बजे से ठंडे सब सुबह ठंडे थे, और हम लोग 6 बजे से प्रैक्टिस करते थे, फिर स्विमिंग में हम लोग गेम्स रहता था, फिर हम लोग 7:30-8 बजे तक हम लोग नाश्ता हो जाता था, फिर हम लोग को वॉक का प्रैक्टिस हो जाता था, कैसे कैसे वॉक करने हैं। तो इस तरीके से पूरे हमने 2 दिन पूरा मेहनत किए, बहुत अच्छे से मेहनत किए, और उसका फल हमको मिल गया। ओके, प्रदीप जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि कैसा रहा जब ये इनका ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा था, तो कोई सुबह नहीं उठता था, नहीं जाता था, या जबरदस्ती उठाना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं? इसमें ऐसा नहीं, मोस्टली सारे जितने भी बच्चे थे बहुत ज़्यादा हाँ सब एक्साइटेड शो के लिए, किसी को बोलना नहीं पड़ता 4 बजे उठना है, उसके पहले जो एग्जैक्ट टाइम था वो सब रेडी रहते थे। शायद हो सकता कि बच्चे पंचोला या जो हमारे कोरियोग्राफर है मयूर था, वो टाइम के बहुत ज़्यादा पंचोल है, उनको 4 बजे ने 4:05 नहीं चलता, 4 बजे चलते गए, तो इस हिसाब से वो पंचोल होते। ये जाना चाहूँगा कि काफ़ी अलग हंट के शो किया है, आगे क्या इनोवेशन लाने वाले हैं, कैसे, क्योंकि कंपटीशन आप जानते हैं मार्केट में इतना ज़्यादा, इतने सारे शो होते हैं, तो क्या अलग करने वाले हैं, कुछ तो विजन होगा आपका फ्यूचर का? मेरा विजन ऐसा है कि जैसे कि अभी आजकल जितने भी नेशनल लेवल पे शो हो रहे हैं वो तो हो ही रहे, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शोज होते हैं नेशनल लेवल पे, लेकिन अब मैं करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, जो मैं ऑलरेडी एक कर चुका हूँ थाईलैंड में, अब मैं करने जा रहा हूँ इंडोनेशिया में, जो हमारा 15 अप्रैल को हो रहा है, तो जो हमें आधे साथ में अभी विनर हैं तो वो हमारे इंडोनेशिया में हमारे साथ में जा रहे हैं, तो इनको नेशनल से अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेके जा रहे हैं, और वहाँ पर इनको प्रूव करना है कि इंटरनेशनल में कैसे ये जीत के आए। आप भी जानना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज खुलेगा, क्या आपका विजन है अपने करियर को लेके, क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट हैं आज के, म्यूजिक वीडियोस, एड्स, फिल्म्स, क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप? जी हाँ, अब विनर बनने के बाद प्रेशर तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि नए नए टास्क और भी बढ़ते जाते हैं। अब नेशनल के बाद इंटरनेशनल विनर बनने का जो सपना है मेरा, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो सपने हैं वो मेरे अपनों से जुड़े हुए हैं, जो कि मेरे माता पिता ने मेरे हर पल, हर सेकंड बोलूँ तो मेरा साथ दिया है, और उनके सपनों को पूरा करना भी मेरा एक सपना है, और बस यही है कि मैं सबसे पहले तो एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता हूँ, अपने आप को निखारना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, अगर मेहनत करूँगा, खुद को निखारूँगा, खुद पे वर्क करूँगा, तो मैं हर जगह सफल बनूँगा, ऐसा मुझे लगता है, और बस यही है कि सारे सपने पूरे करूँ। अमित, आपसे जानना चाहूँगा, बेहतर मॉडल बनना पसंद करोगे कि बेहतर इंसान बनना पसंद करोगे? बेहतर इंसान बनना पसंद करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि बेहतर इंसान होगा तो मैं एक सब जगह पे मैं फेमस हो सकता हूँ, मॉडल तो आज हूँ कल नहीं, ऐसा हो सकता है, तो सबसे बेहतर इंसान मेरे हिसाब से अच्छा है। इतना इतना टफ क्वेश्चन तो हमारी जूरी ने भी इनसे नहीं पूछा होगा, आपने ऐसा पूछा है। अभी हमारा एक शो होने जा रहा है 20 और 21 मार्च को रायपुर में, मैं चाहता हूँ जिसके अंदर जितना भी टैलेंटेड है, जैसे भी टैलेंटेड लोग हैं, बच्चे से लेके बड़ों तक, वो हमारे साथ में ज्वाइन कर सकता है 20 और 21 मार्च को, और उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं 15 अप्रैल को जो हमारा शो होने जा रहा है इंडोनेशिया में, मिसेज यूनिवर्स, मिस्टर मिस मिसेज यूनिवर्स, मैं चाहता हूँ जिसके अंदर जो टैलेंट है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, हमारी वेबसाइट है enigmaemc.in, या गूगल पे आप सर्च मारें एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, फेसबुक है, इंस्टा है, कहीं पे भी आप डालेंगे एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आपको मिल जाएंगे। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ें और हमारे साथ आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, आई एम बंटी पाली, प्रोडक्शन हाउस है JP प्रोडक्शन हाउस। दीपक जी का जो आने वाला शो है इंडोनेशिया में, उसका जो भी विनर रहेगा, मिस कैटेगरी में रहे, मिस में रहे, मिसेस में रहे, उनको कोई मेरे मेरा एक सोनी टीवी में सीरियल आ रहा है, और सेकंड मेरा कलर्स मराठी पे आ रहा है, तो उसमें हम उनको 100% मौका देंगे, तो प्लीज़ आप अपना बेस्ट दें और अच्छा से शो कीजिए। थैंक यू।